यहाँ पर वाशी पे आए हुए हैं। यहाँ पर ईपीएफ स्टाफ ने यहाँ पर धरना लगाया हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके देखिए, इनके शर्टों पे पूरे काली फीत लगाई हुई है निषेध के लिए। और हम जानते हैं इनसे कि इनकी यहाँ पर इन्होंने जो आंदोलन किया है वो किस लिए किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा स्टाफ यहाँ पर आके बैठा हुआ है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे किस तरह से ये और किस लिए ये सब कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे इनसे, लीडर से। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिकांत मिश्राम है, मैं ईपीएफ स्टाफ यूनियन वाशी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हम यहाँ पर हमारे एसआईजी ऑल इंडिया ईपीएफ स्टाफ यूनियन फेडरेशन के जो एसआईजी है श्री आर कृपाकरण जी, और हमारे महाराष्ट्र यूनिट के श्री राकेश आचार्य, उनके आदेश पर उन्होंने एक कॉल किया है स्ट्राइक का, वन डे टोकन स्ट्राइक का, उसके लिए हम यहाँ पर है। आपकी मांगे क्या है? हमारी कुल बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मेन 8 मांगे हैं जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। क्या क्या है? देखिए, हम मोस्टली कैसा हो गया, 2009-12-2015 को हमारी जो CBT हमारे एक्चुअल में EPFO को पूरा हैंडल करता है CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, तो उन्होंने एक मीटिंग में उनका पारित किया था कि जो भी बेनिफिट्स होंगे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में 9-12-2015 से लागू होगा, लेकिन वो 9-12-2015 से लागू नहीं हुआ। उसके अलावा हमारी कुछ मांगे थी, जैसे MACP का था, यानी काफ़ी ओल्ड लोग हैं उनको प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और जो हमारे बैच वाले हैं 2010 या उसके बाद वाले बैच वाले हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, बहुत कम स्टाफ था, उसके लिए मांगे थी। और हम ये चाहते थे कि हर किसी को उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए, ये हमारी मुख्यतः मांगे थी। उसमें से आप कुछ देख सकते हैं, हमारी मांगे हैं तो आप देख सकते हैं, टोटल हमारी 8 मांगे हैं। तो अभी ये जो मांग आपके किससे कर, जो मांगे जो है ये हेड ऑफिस से है, हमारे लोकल यूनियन से, हमारे लोकल बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में ये मांगे हमारी अप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए, और 2015 से आप सोच सकते हैं कि अभी 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके बारे में कुछ भी किया नहीं है। हमने टाइम टू टाइम उनको याद दिलाने की कोशिश किया, उनके बारे में हमने उनसे काफ़ी पत्राचार किया, लेटरबाजी किया, सब कुछ किया। लास्ट टाइम भी हमने उनको यानी स्ट्राइक का नोटिस दिया था, तो उन्होंने बोला था हाँ आपके बातें मान ली जाएगी, लेकिन किसी कारणवश वो भी नहीं कर पा रहे, तो एट लास्ट फिर हमारे सेक्रेटरी जनरल ने इनके स्ट्राइक का आह्वान किया, और ये स्ट्राइक हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उन्होंने ये रखा है। 3 फेज रखा गया था, 1 से 18 तारीख तक हमारा, यानी 1 से 28 देखा जाए तो ये ब्लैक बैचेस लगाने का ही था। 19-23 तारीख के बीच में हमें लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन देना था, और आज 28 तारीख को वन डे टोकन स्ट्राइक का प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पर देखिए इनकी जो मांगे है यहाँ पर लिखी गई है, मांगे हम उसको कवर करते हैं, ये सारी मांगे। और इनका यहाँ पर कहना है कि इन्होंने 2015 से जो अप्रूवल हुआ है वो ये लोग के आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इनकी ये मांग है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अप्रूव हुई है तो इनको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करें। इसके लिए इन्होंने देखिए 3 हिस्सों में इन्होंने स्ट्राइक करने का कोशिश किया। एक तो सिंपली कि उन्होंने बैच लगा के, ब्लैक बैच लगा के समझाने की कोशिश की, फिर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसके बाद में आज ये इनका लास्ट आज का दिन है, उनके जो लीडर है उनका जो आदेश है उनके मुताबिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सारी मांगे इनकी पूरी हो। यहाँ से हम VRNews.in से, मैं नागेश अम्बेडकर सेक्रेटरी हैं, हम इनसे बात करेंगे। कहिए साहब आप क्या कहना? मैं मोहन भोईर भविष्य निधि वाशी संगठना का सेक्रेटरी हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कृपाकरण जी, इन्होंने आदेश दिया है, जैसे हमारे राजेश आचार्य महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने आदेश देने के बाद हम लोग एजिटेशन चालू किया है। 1 अगस्त से 28 अगस्त तक हम लोग ब्लैक बैच लगा के, और 2nd फेज में हम लोग स्लोगन दे के ये एजिटेशन प्रोग्राम सक्सेस करने वाले थे, और आज का 3rd फेज में हम लोग वन डे टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं। ये हमारा ऊपर से आदेश है, हमारी मांगे है कि कैडर रजिस्ट्रेशन में हमको कुछ बेनिफिट मिले। ए क्लास के लोगों को सबको बेनिफिट मिला है, लेकिन BCD लोगों को जो कैडर रजिस्ट्रेशन में 9 दिसंबर 2015 से जो मिला हुआ था, इसमें CBT हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रहता है, वो सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट ने ऑर्डर दिया है, 212 जो मीटिंग होगा उसमें ऑर्डर दिया है, लेकिन वो
इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, वही अधिकारी वो उसकी उसको कुछ एडवाइज नहीं देते या किसी सक्सेस नहीं करे या साइन कर नहीं रहे, तो हमको बेनिफिट से वंचित होना पड़ रहा है। तो वो उसके लिए हम लोग यही करें। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं और 50% स्टाफ कम है तो भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ बहुत लोग रिटायर हो गए, 2010 से लोग रिटायर हो गए, उसके बाद में लोग बहुत डेथ हो गए किसी लोग, इसके ऊपर से हमारा जो वर्कलोड बढ़ गया है, वो वर्कलोड बढ़ने की वजह से हम लोगों में वो जो वर्क है वो सब बांटते हैं, उसमें प्रेशर होता है। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया है मैं बोलता हूँ कि वो चलता नहीं तो भी वे प्रेशराइज करके, और जो ऑफिसर को हम लोग पूछेंगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं, तो बोलते हम क्या करेंगे। तो जो अधिकारी इधर बैठे उनका इधर बैठ के क्या फायदा, जो खाली व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं दिन भर, हमारे जैसे काम निकल रहे थे, हैरेसमेंट करते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है सर, यहाँ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का जो पोस्ट है, ये लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र रीजन वाइज रीजन में उनका ट्रांसफर होता है, उन लोग 7-7 साल से 5-5 साल से एक ही जगह पे है, उनका फैमिली उधर है, उनके किसी के पिताजी किसी की माँ बीमार हैं, वो उनके छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रखते। एक्चुअली जो प्रोसीजर है 3 साल में उनको ट्रांसफर करना मांगता है, लेकिन ये 7 साल हो गए इन लोगों ने उनका ट्रांसफर नहीं किया, और ट्रांसफर करते हैं तो खाली एक रीजन से दूसरा रीजन करते हैं, उनको इधर रखते हैं। अभी नासिक नागपुर से हमारे यहाँ का ट्रांसफर हो गया है, औरंगाबाद से कोई ट्रांसफर, पुणे से कोई ट्रांसफर हो गया है, लेकिन इन लोगों का कोई ट्रांसफर करते नहीं, ये हैरेसमेंट चल रहा है। और ये वन टाइम रिलैक्सेशन देने का है, जो कैडर APFC को 5 साल का रहता है प्रमोशन, लेकिन उनको 4 साल में प्रमोशन देके उनको RPFC बनाया। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ 20-20 साल 25-25 साल जो काम कर रहे लोग वो SSA करके रिटायर हो रहे हैं, ना उनको SS का प्रमोशन मिल रहा है ना UO का प्रमोशन, और जो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर 10-10 साल से एक ही पोस्ट पे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप बाहर डिपार्टमेंट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने से अच्छा उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे के उनको प्रमोशन दे दो, वो भी करते नहीं, ये दिक्कत क्या है। और ये हमारा एजिटेशन का एम है कि हम लोग इसके वजह से ये एजिटेशन कर रही है। पर आपकी एक मांग है, अभी इन्होंने कहा कि जिसको जहां पर ट्रांसफ़र चाहिए उसको वहां पर ट्रांसफ़र मिलना चाहिए, अगर वहां पर इस तरह की अगर बात है तो जिसको अभी मान लो कि वासी में आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो वासी में ही उसका यहां पर रहना है तो वो वहीं पर रहेगा कि उसके अलावा भी अगर उसको दूसरी जगह हर एक 3 साल में 4 साल में हर एक का ट्रांसफ़र होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर रहता है जहाँ कम रहते हैं जहाँ उन लोग को उधर भेज दिया जाता है, तो उनका जो ट्रांसफ़र 3-3 साल के लिए होता है, लेकिन अभी 3 साल होके गया तो भी उनको उधर रखा, अभी 3 साल इधर हो गए तो 3 साल के बाद उनको पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजना मांगता है, उनको पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं भेज के अगर वो वासी में है तो उनको कोल्हापुर में भेजते हैं, तो उनको फैमिली डिस्टर्ब होता है, उनका फैमिली डिस्टर्ब होने की वजह से वो लोग बहुत हैरान है, उनको बीमारी भी किसी को बीमार भी रहते हैं, तो वो सब सहन करके वो लोग इधर रहना उनको रहना पड़ता है। आपका कहना है कि जो डिपार्टमेंट है उसी के अंदर ट्रांसफर करके उसी एरिया में ट्रांसफ़र करके उनकी पोस्ट बढ़ाओ या फिर काम अलग दो, ऐसा आपका कहना है? यस। यहाँ पर देखिए जो इनका कहना है कि आज वासी में जो काम कर रहा है उसको अगर कोल्हापुर में भेजा जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, अगर बम्बई में कहीं ट्रांसफ़र होता है वो तो वो लोग सह सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोल्हापुर जाएंगे तो दिक्कत आती है और फैमिली को डिस्टर्ब होता है, इसके लिए इनका कहना है कि ट्रांसफ़र जो है वो जिसको जहाँ चाहिए वहाँ पर मिले। आरो ये जमशेदपुर झारखंड की बात कर रहा हूँ कि प्रेशर झेल नहीं पाया, काम का लोड बढ़ते जा रहा है, कोई स्टाफ अगर रिटायर कर गया है तो उसका काम बांट दो, लोगों में बांट दो, ऐसा करते करते ट्रिपल काम हो गया है। काम करने का एक क्षमता होता है आदमी का, कितना काम करेगा, उसके कारण जो है कुछ होता है, कुछ काम रह गया, प्रेशर डालो, ये करो वो करो, इतना ज़्यादा प्रेशर जो नहीं झेल पा रहा है सुसाइड कर रहा है, तो ये चीज़ सोचना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इतना यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इतनी नौबत आई है कि काम का बोझ के तले आदमी आत्महत्या करने पे तुले हुए और की गई है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। इतना ज़्यादा लोड काम के ऊपर लोगों के ऊपर डाल के काम किया जा रहा है, तो इस ऑफिस को ये सब इनकी मांगे जो है ये पूरी करनी चाहिए, ऐसा ये लोग का मानना है। कोई भी चीज़ जो है एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए,
कोई भी संस्था जो है ऐसे नहीं चलता है, उसमें ए बी सी डी क्लास के लोग हैं, इम्प्लाई हैं, सबके हितों को बराबर ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, ए क्लास वाले अपने ले लिए हैं पोजीशन, आरआर उन्होंने जो बनाया है सीआर, उसमें अपने अनुसार से प्रोविजन कर लिए, पोस्ट क्रिएट किया गया है उन लोगों को प्रमोशन देने के लिए, ये करने के लिए, और 10 साल से यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है क्लर्कियल कैडर में एक भी। आप सोचिए इसके कारण 10 साल में कहाँ से कहाँ चला गया, कितना वर्कलोड बढ़ा है, और आप क्लर्कियल कैडर में नहीं भर्ती कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है अफसरशाही चलेगी, जबकि क्लर्कियल कैडर पर प्रैक्टिकल काम होता है, सबको पता है। तो वो काम कहाँ जा रहा है, स्टाफ कम हो रहा है, रिटायरमेंट हर साल हो रहा है, आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये डिमांड करने का चीज़ है। ये तो हायर अथॉरिटी को खुद समझना चाहिए कि कैसे हमको सुचारू ढंग से चलाना है, उसके लिए कहाँ कहाँ ज़रूरत है, काम करने वाला एक्चुअल है कौन, वहाँ स्टाफ देना है, इसके लिए डिमांड करना पड़ता है हम लोग को, ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। और कोई बोल सकता है इस बारे में? एक मिनट, 10-10 साल से हम उसको स्ट्रगल कर रहे हैं, 10-10 साल से, इतने साल हमारा स्टाफ जो काम कर रहा है उनके लिए प्रमोशन कम से कम थोड़ा तो होना चाहिए ना सर। ये बात ध्यान में रखते हुए MSCP और बड़े से हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सॉल्व करेगा, कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जिसके लिए प्रॉब्लम हमारा सुन के, हमारे जो भी तकलीफ है वो समझ के ले ले, बस हमारा इतना ही कहना है। यहाँ पर देखिए, इनका कहना है कि जो क्लरिकल लोगों के ऊपर जो बोझ बढ़ा हुआ है काम का, वो कम करने के लिए ऊपर के हाई लेवल के ऊपर सोचना चाहिए, लेकिन वो हाई लेवल के ऊपर भर्ती कर रहे हैं और नीचे भर्ती नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है।